अरे वो तो कब का कॉलेज चला गया? आजकल वो जल्दी उठता है, जल्दी कॉलेज चला जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, रात को ही उससे बात करूंगा। क्या कुछ काम था मुझे भी तो पता चले। अरे मैंने सोचा है आज उसे एक नई साइकिल खरीद के दे दूं, ये उसे समय भी बच जाएगा और उसे आने का काम भी नहीं लगेगी। अरे पगली, मैं उसी के लिए तो पैसे जुड़ा रहा हूँ। अरे अंकल क्या बात है, मैंने सुना आप नई साइकिल खरीद रहे हो। अरे बेटा अपने समीर के लिए। क्या बात है भाई की तो निकल पड़ी। वैसे साइकिल चलाने वाला भाई है किधर? अरे बेटा आजकल वो जल्दी उठता है, तुझे पता नहीं है? अरे हाँ आंटी, उसे कुछ बताया तो था, मैं ही भूल गया। अच्छा मैं उससे कॉलेज में मिल लूंगा। आजा। अरे तू यहाँ पे, और मैं तुझे कब से कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ। और माँ ने बताया कि तू आजकल कॉलेज के लिए जल्दी निकल जाता है। और ये सब क्या कर रहा है? बस यूं ही यार। तू सिगरेट पी रहा है? क्या देना? ये आदत कब से लग गई? तुझे पता है ना ये जहर है। मैं एक ही तो ना शहर शहर अभी हम कॉलेज में आ चुके हैं, हम बड़े हो गए अभी, कुछ तो कर यार। अगर तुझे कुछ पिलाना ही है ना मुझे, तो जूस पिला। मैं वो जरूर पीऊंगा। जूस क्या, तू भी बच्चों वाली हरकत कर रहे है भाई। अभी हम बड़े हो गए, बी मैच्योर यार। अच्छा चल मेरे साथ, तू बड़ा हो गया ना, तुझे इससे भी बड़ा नशा कराता हूँ आज। इससे भी बड़ा क्या बोल रहे? तू तो छुपर उस्ताद निकला यार। चल चल। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ। देख उन दोनों को किस तरह तेरे पीछे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और अपनी सारी जिंदगी अब तेरे पीछे झोंक दी है। और मुझे सॉरी भाई, माना मैं तुझे धोखे से वहां लेके गया था, पर तूने जो वहां देखा वो सही में एक नशा था। हाँ मैं तुझे नशा कराने ही लेके गया था वहां पे। वो देख अपनी माँ को देख किस तरह नशे में चूर है। अरे अपने पिताजी को देख किस तरह वो भी नशे में चूर है। क्या तुझे पता है कि वो किस तरह काम का नशा कर रहे है? क्या तुझे पता है कि वो ये काम का नशा क्यों कर रहे है? ताकि तुझे सारे ऐशो आराम मिल सके और तू कॉलेज में पढ़ सके। लेकिन तुझे आज कॉलेज में देखा तो तू क्या कर रहा था? अपने दोस्तों के साथ सिगरेटें पी रहा था। अरे उन दोस्तों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है सिर्फ तेरे पैसों से। उनको ये तक मतलब नहीं है कि तू ये पैसे कहां से लाता है। और एक बात थी जो मुझे तुझे नहीं बतानी चाहिए थी, तुझे आज तेरे पिताजी साइकिल लेके देने वाले हैं। शायद तुझे भी नहीं पता होगा कि साइकिल के पैसे कहां से आए हैं। साइकिल के लिए उन लोगों ने अपनी सारी जरूरत तेरे पीछे कुर्बान कर दी। रात रात भर जग के काम करके एक एक पाई जमा किया है, पता है क्यों? ताकि तू कॉलेज आराम से जा सके, तुझे थोड़ी थकान कम हो और तेरा थोड़ा सा टाइम बचे। अरे इस चक्कर में तो वो दोनों ढंग से खा भी नहीं रहे, पता है क्यों? ताकि तुझे जेब खर्ची में कम ना पड़ जाए, ताकि तू भी बाहर से अच्छे से खाना खा सके। लेकिन तू तो कुछ और ही कर रहा है कॉलेज के अंदर।
सॉरी यार, मुझे कॉलेज में गलत संगत लग गई थी, तूने मुझे रोका गलत राह पे जाने के लिए, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। देख यार, मैं कोई नहीं होता किसी को सही और गलत साबित करने वाला। हम स्कूल से पढ़ाई पूरी करके अपनी पूरी जिंदगी की राह खुद चुनते हैं, जिससे हमारी पूरी जिंदगी तय होती है। यहाँ सही और गलत दोनों राह हमारे खुद के पास होती है। यहाँ सब कुछ तो मिलता है, लेकिन अगर सही वक्त पे इस्तेमाल नहीं किया तो उन्हीं चीजों के लिए जिंदगी भर हाथ फैलाने पड़ते हैं। तू खुद की तो ठीक है, पर तू अपने पेरेंट्स की भी जिंदगी बर्बाद कर देता। कॉलेज में आ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपनी मनमर्जी करोगे। अरे अगर अपनी मनमर्जी करनी ही है तो अच्छे दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें पढ़ाई में हेल्प कर सके, जो तुम्हारे साथ हर मुसीबत में खड़े रहे, जो तुम्हारी जिंदगी संवारने में एक अहम रोल प्ले करे। और तूने जो दोस्त बनाए, इन दोस्तों का कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे दोस्तों से खाली छुप छुप के मिल सकता है तू, सिर्फ कॉलेज तक सीमित है ऐसे दोस्त, और ना ही तू किसी को बता सकता है कि ये तेरे दोस्त है। और अगर अब भी तुझे लगता है ना कि तू सही है और मैं गलत हूं, तो भाई आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, मुझे इतना भी शर्मिंदा मत कर कि मैं अपने मम्मी से नजर ना मिला सकूं। अभी जो उनके सपने हैं अब वो मेरा मकसद है। थैंक्स यार। थैंक यू मुझे नहीं, घर जाकर अपने पेरेंट्स को बोल जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी तेरे पीछे गवा दी है। इस थैंक यू के असली हकदार वही है जो आज भी बेहतरीन वक्त आने के लिए बुरे समय से लड़ रहे हैं। जा उनको थैंक यू बोल।